तो गाइस कैसे हो आप लोग, आप सबका स्वागत है मिल्टन गेमिंग पर एक और बार फिर से। और आज हम लेकर आए हैं ब्रोहला मोबाइल्स के कुछ मूव्स और टेक्निक जिनको आपको गेम में यूज़ करना चाहिए और कौन से मूव जिनको यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैंने शुरू में बताया उस मूव को तो आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, वो तो सिर्फ फन के लिए था मेरा। तो इस वीडियो को बनाने में हमको चिलकिल गेमिंग ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी, तो उनको शाउट आउट। और उनके चैनल को आप देख सकते हैं, वो रात को 10:30 बजे रोज ब्रोहला की लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, तो आप वहाँ जाके उनके साथ खेल सकते हो और मैं भी वहाँ पर आपको रोज़ मिल जाऊँगा गेम उनके साथ खेलता हूँ मैं, तो आप मजे करेंगे, फन करेंगे गाइस, आ जाना लाइव स्ट्रीमिंग पे ब्रोहला के। हमको भी आपके थोड़े बहुत प्रो मूव्स देखने मिल जाएंगे और सीखने मिल जाएंगे, तो मजे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस गेम के अंदर आप एनिमी के पावर अटैक को कैंसिल कर सकते हो वेपन उसकी तरफ थ्रो करके। वेपन को एनिमी को टच होना चाहिए तो उसका पावर अटैक वहाँ कैंसिल हो जाएगा और आपको मतलब ये गेम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि उनके पावर अटैक एक बार मुंह कैंसिल हो गया तो आप उनके ऊपर बेसिक अटैक करके डैमेज दे सकते हो। यहाँ पर आप येलो बटन से वेपन को थ्रो कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर चिलकिल ने पावर अटैक यूज़ किया, मैंने वेपन थ्रो किया तो उसका अटैक कैंसिल हो गया, यहाँ पर पूरा का पूरा न्यूट्रल हो गया। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है, इसको यूज़ करना आप गेम में तो आपको मज़ा आएगा। आते हैं यहाँ पर दीवार को ग्रैब करने की बात पे, तो यहाँ पर आप दीवार को ग्रैब तो कर सकते हो कितनी भी देर, बट यहाँ पर ज़्यादा देर आप ग्रैब करके रखोगे ना तो आपके जंप खत्म होते जाएंगे। जैसे जैसे ये लाइनें आ रही है आप यहाँ देख सकते हो कि लाइनें आते ही मतलब जंप आपके खत्म हो जाएंगे। एक लाइन आ गई मतलब आपका एक जंप खत्म, दो लाइन आ गई तो दो जंप खत्म, और थ्री लाइन आ गई तो आप अगर आपने दीवार छोड़ी साइड में गए तो आप नीचे गिर ही जाओगे, थ्री लाइन का मतलब आपका जंप खत्म। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने ट्राई किया तो थ्री लाइन आ गई, अब मैं यहाँ पर इसको दीवार इसको छोड़ देता हूँ और यहाँ पर जंप करने की कोशिश करता हूँ, मेरे पास एक भी जंप नहीं बचा यहाँ पर, तो खत्म। इस अगले मूव पे चलते हैं, ग्रेविटी कैंसिल। ग्रेविटी कैंसिल करोगे तो आपको हवा में बहुत सारे मूव करने के लिए मिल जाएंगे, और इस मूव को करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, ये दोनों बटन जितना हो सके उतना फास्ट दबाइए। और यहाँ पर आप ऐसा मूव कर पाओगे जहाँ पर कि आपको एक सेकंड मिल जाए हवा में, और उसके बाद आप जो चाहे मूव कर सकते हो। और बेसिक अटैक का भी यूज़ करोगे तो एक मूव हो जाएगा, पावर अटैक का भी करोगे तो एक मूव बन जाएगा, और उसके साथ एनिमी के अटैक्स को डोज करने के लिए भी मूव बहुत सही है। इसमें आप एनिमी को मतलब पूरा तरह नेग्लेक्ट कर सकते हो और बच सकते हो उसके अटैक से, और अपने आप को गेम में मतलब अच्छा बनाए रख सकते हो। और यहाँ पर मैं आपको एक मूव बताता हूँ, ये चारों बटन आप एक साथ दबाना और आपका एक अच्छा सा मूव बन जाएगा, जंप, स्लाइड, दिशा और पावर, तो उसके साथ बहुत ही तगड़ा मूव बन जाएगा ये वाला। और इसके साथ आप एक बेसिक अटैक के साथ भी एक मूव कर सकते हो, ये चारों बटन दबा के एक साथ, और एनिमी पूरा का पूरा नॉक बैक हो जाएगा, उसको डैमेज भी तगड़ा मिलेगा। यहाँ पर जंप, स्लाइड और ये खत्म, एनिमी पूरा का पूरा नॉक यहाँ खत्म हो गया। इसके बाद एक सिग्नेचर मूव की बात करते हैं जो कि अभी आपने स्क्रीन पर देखा, इसको करने के लिए आपको ये सारे बटन एक साथ दबाने फास्ट, तो आप एक तगड़ा सिग्नेचर मूव कर पाओगे, ये वाला भी देख लो। तो ये करोगे आप हर हीरो के साथ तो आप एनिमी को पूरा नॉक कर सकते हो, और इसको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इस गेम इस मूव को प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको अगर करना है तो। अदरवाइज डाउन और बेसिक से आप एनिमी को हवा में तो उड़ा ही सकते हो सबसे बड़ी बात, और पावर अटैक ऊपर वाला करके और दूसरे भी मूव अगर आप छोड़ देते हो तो भी हो जाएगा एक बार। उसके बाद चलते हैं हमारे अगले मूव पे जिसको प्रो प्लेयर सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। यहाँ पर जैसे कि एनिमी साइड में ग्रैब करके लटका हुआ तो उसको तीनों बटन दबा के आप नीचे डाउन गिरा सकते हो, और उसको करने के लिए आपको ध्यान रखना होगा, अगर आपका मिस हो गया तो आप नीचे गिर जाओगे और फिर उसको एनिमी को पॉइंट मिल जाए। तो यहाँ लटक रहा है तीनों बटन दबाओ और एनिमी को टारगेट करो एकदम देख कर, और इससे करोगे वो नीचे गिर जाएगा, अगर उसके पास जंप खत्म हो गए होंगे तो वो गिरेगा ही गिरेगा गाइस, अगर आपने ऐसे टारगेट कर दिया उसको। और उसके बाद चलते हैं, आप ग्राउंड पर भी इन तीनों बटन का यूज़ करके एनिमी को डैमेज दे सकते हो हल्का फुल्का, और जैसे कि यहाँ मैं तीनों दबा रहा हूँ उसको डैमेज मिल रहा है, मतलब आप हवा में और नीचे एनिमी आपके जस्ट हो, तो इन तीनों बटन का यूज़ कर दोगे तो आप उसको डैमेज दे पाओगे। और उसके बाद चलते हैं एनिमी के मूव्स और कैसे कैंसिल कर सकते हो। ये दोनों बटन अपर और ऊपर थ्रो करने वाला आप अगर आप यूज़ करोगे ना तो एनिमी आपके ऊपर होगा तो वो नीचे गिर जाएगा, वो अपना मूव कंप्लीट नहीं कर पाएगा गाइस, आपका वेपन वापस आपके पास आ जाएगा, उसको सी मतलब रेड बटन से आप ग्रैब कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे ही चिलकिल गेमिंग जैसे मेरे ऊपर जंप कर रहे हैं, मैं उनके ऊपर वेपन थ्रो कर रहा हूँ तो वो जंप उनका कैंसिल हो रहा पूरा का पूरा, लाइक वो पूरा का पूरा ही नीचे गिर रहे हैं, मतलब उनको रास्ते में किसी ने अटका दिया हो इस तरह से। और इस तरह से एम्बर का ये तो स्पेशल मूव है, जैसे कि डाउन और पावर बटन वाला तो बहुत ही तगड़ा है एम्बर का, तो मैंने गेम प्ले भी डाला आप देख सकते हो। और इस तरह से स्लाइड बटन का यूज़ करके आप एनिमी को जल्दी फॉलो कर सकते हो, और मतलब इसको यूज़ ध्यान से करना है क्योंकि एनिमी ने अटैक कर दिया बीच में तो आपको डैमेज मिलेगा, तो इसको यूज़ करना आप मतलब इसको यूज़ करो ज़्यादा ज़्यादा ताकि एनिमी आपको फॉलो नहीं कर पाए या फिर एनिमी को आप जल्दी से फॉलो कर लो। तो बहुत जने इसको यूज़ नहीं कर रहे, मैंने देखा गेम में वो सिर्फ पावर अटैक और बेसिक अटैक और जंप उसको यूज़ कर रहे और ये अपने स्लाइड बटन को मिस कर रहे हैं, तो इसको करो। और वेपन से तो आप कैंसिल कर ही सकते हो जैसे थ्रो करके। और उसके बाद चलते हैं हमारे अगले मूव की तरफ जो कि है एम्बर का ही। तो एम्बर अधिकतर पावर अटैक करके ऐसे मार सकता है एनिमीज को जंप करके, और अधिकतर हीरो ऐसे मार सकते हैं, अगर आप चाहोगे तो आप भी ट्राई कर सकते हो इनको। तो उसके बाद हम एक सिंपल से जंपिंग मूव की बात करते हैं जो आप गेम में यूज़ कर सकते हो, और ज़्यादा मतलब कठिन मूव नहीं बताऊँगा, आप देख लेते हो भूल जाते हो गेम में ऐसा, फिर मतलब ही क्या निकला उसको बताने का मेरा। तो तीनों बटन हम एक बार दबाओ, जंप, ऊपर और पावर बटन।
तो अगर एनिमी ऊपर होगा, आपके ऊपर होगा, तो आप ये तीनों यूज़ करके एनिमी को अच्छा खासा डैमेज दे सकते हो, उसको हवा में फेंक सकते हो, उड़ा सकते हो। और इसके बाद अगले ये तीनों बटन यूज़ कर लेना, जंप, दिशा वाला और पावर बटन, तो एनिमी का पूरा ही खत्म हो जाइए, गया नॉक। तो ये तीनों भी आप एक बार इसका कॉम्बो यूज़ कर लेना। टाइमिंग का ज़्यादा ध्यान रखना गाइस, और ये ज़्यादा मुश्किल मूव नहीं बताया मैंने, बहुत ही सिंपल मूव बताया। और मुश्किल मूव मैं बताऊँ आपको थोड़े दिनों बाद, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो गाइस। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना। और यहाँ पर आप कस्टम रूम में जाकर थोड़े बहुत मतलब अलग अलग टाइप के कुंग फू और कैच द फ्लैग और WWF बॉम्ब वाला अलग अलग मोड से कस्टम रूम में जाके आप खेल सकते हो। और आप मेरे साथ खेलना चाहते हो गाइस, तो आप चिलकिल गेमिंग के चैनल पर आ जाना 10:30 बजे, और वहाँ पर मैं उनके साथ खेलता हूँ, तो आप भी मेरे साथ खेल सकते हो और अपन बात करेंगे डिस्कॉर्ड पे और खेल सकते हैं। तो आप भी मेरे साथ खेल सकते हो, मज़ा आएगा गाइस, आ जाना। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।